चौहान और स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल माँ का मेनू में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट बर्फी, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है और फेस्टिवल में हम मिठाई जरूर मार्केट से लाते हैं, लेकिन आज हम इजी एंड सिंपल तरीके से कोकोनट बर्फी बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं कोकोनट बर्फी। कोकोनट बर्फी बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल कोकोनट पाउडर, ये आपको किसी भी किराना स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। आधा बाउल चीनी, ये साबुत चीनी ही है। आधा बाउल मलाई, अगर आपके पास मलाई नहीं हो तो आप अमूल की फ्रेश क्रीम ले सकते हैं। और आधा बाउल मैंने दूध लिया है, जिसमें पहले से केसर के धागे भिगो के रख दिए हैं ताकि केसर का अच्छा सा कलर आ जाए। चार इलायची ली है, जिसका हम आगे पाउडर बना लेंगे। पिस्ता कतरन एक चम्मच और आधा कप के करीब मिल्क पाउडर लिया है मैंने। अभी मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है, अभी हम इसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे कोकोनट पाउडर को सेक लेंगे। इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे सेकना है। अगर आपके पास जो कोकोनट पाउडर है वो बारीक नहीं है तो आप उसे मिक्सी जार में डाल के थोड़ा चला लें ताकि वो थोड़ा सा पिस जाए, क्योंकि कोकोनट पाउडर जितना बारीक होगा आपकी कोकोनट बर्फी उतनी ही अच्छी बनेगी और उसमें अच्छी सी बाइंडिंग भी आएगी। कोकोनट पाउडर को सिकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इसमें भीनी भीनी खुशबू भी आने लगी है। अभी हम इसमें जो दूध लिया था दूध डाल देंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। और मलाई भी डाल देंगे। और लो फ्लेम पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केसर जैसे जैसे इसके साथ पकेगी वैसे वैसे कलर और छोड़ती जाएगी। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप कोई भी फूड कलर यूज कर सकते हैं। अभी हमने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें जो मिल्क पाउडर लिया था वो डाल देंगे। मिल्क पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें 2 चम्मच के करीब हम घी डालेंगे। आप घी जरूर डालें, इससे हमारी बर्फी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और एक अच्छी सी चमक भी आएगी बर्फी के अंदर। और अभी हम इसे लो फ्लेम पे पका लेंगे। कोकोनट बर्फी को आप मीडियम फ्लेम पे जितना अच्छा सेकेंगे उतना ही उसका टेस्ट अच्छा आएगा। आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अभी कोकोनट बर्फी का कलर लाइट है, लेकिन जैसे जैसे हम सेकेंगे वैसे वैसे केसर अपना कलर छोड़ेगी और इसका कलर थोड़ा और डार्क हो जाएगा।
अभी मिक्सचर थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होने लगा है, लेकिन अभी भी हमें इसे मीडियम फ्लेम पे और सेकना है ताकि ये अच्छे से इकट्ठा होने लग जाए, तभी हम इसमें चीनी डालेंगे। अभी हम इसमें चीनी डाल देते हैं। मैंने एक बाउल कोकोनट पाउडर लिया है तो आधा बाउल चीनी ली है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोकोनट पाउडर में अपनी नेचुरल मिठास होती है। मीठा कम ज़्यादा आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी हम इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ेगी, तो हमें पूरा पानी सुखाना है। अभी हमारा कोकोनट बर्फी का मिक्सचर तैयार है। अभी हम इसे एक बॉल के जैसे बना के देखेंगे। अगर इसकी बॉल इजीली बन रही है, मतलब हमारा मिक्सचर अभी सेट होने के लिए एकदम तैयार है। इस वक्त हम इसमें जो इलायची ली थी उसका पाउडर बना लिया है मैंने, वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। अभी हमने एक थाली ली है और उसे घी से ग्रीस कर लिया है। अभी हम इसमें जो कोकोनट बर्फी का मिक्सचर है वो डालेंगे और इसे सेट कर लेंगे थाली में अच्छे से। अभी हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अभी हमने जो पिस्ता कतरन ली थी वो डाल देंगे। आप चाहे तो इस पे चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आज इसे पिस्ता कतरन से ही गार्निश करूंगी। और अभी हम इसे 2 घंटे के लिए किचन प्लेटफॉर्म पे ही रख देंगे और सेट होने के लिए रखेंगे। और अगर आपकी बर्फी 2 घंटे में अच्छे से सेट नहीं होती है तो आप इसे 25 से 30 मिनट के लिए फ्रिज में भी सेट होने के लिए रख सकते हैं। अभी हम इसे किचन प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं सेट होने के लिए। अभी हमारी कोकोनट बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। अभी हम इसके पीसेस काट लेते हैं। अभी हमने बर्फी को काट लिया है और अभी मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ। एकदम मार्केट जैसी बर्फी तैयार हुई है हमारी। इसे कोई भी नहीं कह सकता कि ये आपने घर में बनाई है। बहुत ही कम सामान और कम समय में तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे रेसिपी को लाइक ज़रूर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को सबके साथ शेयर करें।